हाय एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारे पार्सल के अनबॉक्सिंग लेकर के आई हूँ। और बेसिकली ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को ये सारे प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। इसमें से कुछ आपके लिए मैंने साड़ियाँ मंगाई हैं और कुछ मैंने कुर्ती मंगाई है, कुछ मतलब इंडो वेस्टर्न ड्रेस टाइप का है। और ये मेरे रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ वॉलपेपर मंगाया है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो मैं आपको फटाफट से ये अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। और साथ में मैंने कुछ साड़ियाँ, कुछ सूट, और मैंने अलग अलग साइट से मंगाया है इसको। और ये मैंने एक स्नैपडील से फर्स्ट टाइम एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो सबसे पहले इसी को अनबॉक्स करते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये स्नैपडील से है, इसका फर्स्ट टाइम मंगाया है। मुझे नहीं पता कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, कैसा प्रोडक्ट आता है, लेट्स सी। चलो इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसमें आया क्या है। बेसिकली मैंने एक ईयरिंग मंगाया था और देखते हैं कि वो कैसा आया हुआ है। तो ये यूबेला का ईयरिंग है मेरे पास, तो आइए देखते हैं इसको ओपन करके। तो ये देखिए चमचमाता हुआ 24 कैरेट गोल्ड का मेरा ईयरिंग है ये। और देख लेते हैं ये आया कैसा है। दिखने में तो आउटर पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, बट इसका रियल प्रोडक्ट जो इनसाइड है कुछ ऐसा आया हुआ है, एकदम सोने जैसा लगता है आपका। ये 40,000 का गहना है ये मेरा ईयरिंग। देखिए कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा आया हुआ है और बहुत मस्त है। पीछे से ये इसका ऐसा वाला पेच है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला रबड़ पेच है इसका, और आप इसे इजीली पहन सकते हैं और कोई भी पहन सकता है। लाइक मेरे कान में ऐसे कोई चीज़ नहीं जाती है, जो इस तरह से होते हैं वही जाते हैं, तो उसके लिए है। फिनिशिंग ओके टाइप है, आप लोग देख लीजिए फिनिशिंग ओके है। प्रोडक्ट ठीक ठाक आया है, लेकिन जिस प्राइस में ये मिला है आई थिंक ये बिग नो नो है। ये मैं रखूँ या नहीं रखूँ ये आप लोग बताइए। देन नेक्स्ट है हमारा एक ड्रेस जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये मैंने मेरी सिस्टर के लिए मंगाया है, तो आइए देखते हैं ये आया कैसा है। फ्लिपकार्ट तो काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो ये कुछ ऐसा ड्रेस आया हुआ है रेड कलर का, फ्लोरल प्रिंट में ये ड्रेस है। कपड़ा इसका कुछ कॉटन तो नहीं है, ये कुछ मिक्स सा है। और ये इस तरह से ड्रेसेस हैं, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा स्मॉल साइज का ड्रेस है। और ये बोट नेक में ये बना हुआ है आगे से, और ये स्लीवलेस ड्रेस है इसकी, और यहाँ पे ये इलास्टिक लगा हुआ है, तो आप साइज वाइज पहन सकते हैं, फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। और उसके साथ ही ये रेड कलर का है और बहुत छोटे छोटे इस पर फूल बने हुए हैं, ये फ्लावर प्रिंट का है। और ये साथ में इसके इस तरह का इसमें गैदर आया हुआ है, और ये आप कह सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इंडो वेस्टर्न ड्रेस है, आप ट्राई कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये देखिए ऐसे लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, मेरे ऊपर भी अच्छा लग रहा है। एंड मस्त प्रोडक्ट है, मतलब वर्थ बाइंग है, आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही सही प्राइस में हम लोगों को ये फ्लिपकार्ट पे रिसीव हुआ है। अब आती है साड़ी की बारी, तो हम लोग फटाफट से दो साड़ी मैंने ऑर्डर करी है, दोनों साड़ियों का मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा कलर है ये, मैंने ट्राई किया है। और नेक्स्ट ये है कॉटन साड़ी, अब देखते हैं इसमें से दोनों में से आपको कौन सा पसंद आता है। तो फटाफट से इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। और आप लोग अपनी मम्मी के लिए या मौसी के लिए, बुआ के लिए, किसी के लिए भी ये साड़ियाँ ले सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। सबसे पहले तो ये ग्रीन एम्ब्रल ग्रीन कलर की ये साड़ी है, काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है इसका। ये इस तरह से यहाँ से पैक हो करके आया है, नत्थी हो करके, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे और देखेंगे ये साड़ी कैसी आई है। तो ये एम्ब्रल ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर की ये साड़ी है इस तरह से। और कपड़ा इसका कुछ ऐसे ब्लेंड सा है, कॉटन नहीं है ये, आपको शाइनिंग दिख रही होगी इसकी। ये ब्लैक कलर का आंचल है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और साड़ी और प्लेटिंग और आंचल आप देख ही सकते हैं। ब्लाउज मैंने दूसरा पहना हुआ है ब्लैक कलर का, तो कैसी लगी साड़ी बताइएगा। तो ये साड़ी भी बहुत मस्त है, वर्थ बाइंग है, आप ले सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोगों को साड़ी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।
नेक्स्ट ये वाली साड़ी है, ये कुछ ऑनियन कलर की है, मैं इसको भी अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ी पार्टी वेयर है, ये देखिए ये भी ऐसे बंद करके आई है, ये काफी अच्छी दिख रही है, आपको दिख रहा होगा ये साथ में, इसके साथ में ये स्पार्कल वाली पैटर्न में डिजाइन है इसका, प्यारी दिख रही है काफी। और नीचे से ये कुछ इस तरह का सिल्वर कलर का इस पे पैटर्न आ रहा है और काफी सॉफ्ट सा मटेरियल है, आप देख सकते हैं कि पूरी साड़ी को मैंने पूरे अपने हाथों में कर लिया है, तो ये बहुत ही मस्त साड़ी है, पैसा वसूल है, आप लोग जाकर के ले सकते हैं। किया हुआ है इस तरह से, लाइनिंग करके एम्ब्रॉयडरी दी हुई है और इसका बॉर्डर जो नीचे की तरफ है काफी वाइड है और ऊपर की तरफ बहुत पतला है। ड्रेपिंग वाइज ये साड़ी बहुत ही अच्छे से फिट होकर के आपके बैठेगी, मस्त लग रही है, अच्छी दिख रही है साड़ी, देख सकते हैं आप लोग काफी अच्छा और फुल लुक आपको देखने को मिलेगा। साड़ी बहुत अच्छी है, देखिए कैसी लग रही है, काफी सॉफ्ट मटेरियल है इसका। तो एंड ये दूसरी साड़ी को मैंने वेयर करके दिखाया आप लोगों को, तो अपने लिए अच्छा लगे थे। बस ये था मेरा कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो और उसके साथ में मेरे पास है एक ये रोल, ये मैंने वॉलपेपर मंगाया था, इस वॉलपेपर को मैं अपने सिलाई मशीन पे लगाने वाली हूँ। एक मैंने और मंगाया था जिससे मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को डेकोर किया था, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को नहीं शेयर किया है। और साथ में मैंने सोचा थोड़ा सा ना अपने मशीन को भी हम थोड़ा नया लुक दे दें, जिसके लिए मैंने ये मंगाया है और इसको फाड़ के इसका पेट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रोल काफ़ी सस्ता मिल गया था मुझे, ये कुछ इस तरह से इसका प्रिंट आया हुआ है, ग्रे कलर का है और बीच में इसके वाइट कलर का ऐसा है, आई थिंक ये 1 मीटर का है केवल, 100 सेंटीमीटर का। तो ये मेरी मशीन भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिलाई मशीन का जो पूरा फ्रेम होता है उसी पे लगाने के लिए मैंने ये मंगाया है। तो मैं आपको ये मशीन का मैं बिफोर एंड आफ्टर डाल दूँगी और आप उसी से देख लीजिएगा कि मैंने कैसा काम किया है, मैंने कैसे डेकोर किया है और ये वॉलपेपर कितना अच्छा है, ये भी मैं आपको दिखाने के बाद ही बता। इतना ही मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो में आज, इतने सारे प्रोडक्ट के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और फुल लुक के लिए आप मुझे कॉमेंट करना ना भूलें और स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल।